सेहत सलामत तो नेमतें हज़ार, बेहतर सेहत ही हज़ार नेमतों के बराबर है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंसान अपनी सेहत पर कम काम पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। इंसानी ज़िंदगी गोया एक मशीन बनकर रह गई है, जिसका काम सिर्फ भागना भागना और सिर्फ भागना है। इस भागम भाग में सेहत पर तवज्जो ना देने से आहिस्ता आहिस्ता कई एक बीमारियाँ लाशौरी तौर पर इंसानी जिस्म में घर कर जा रही हैं। शुरू में छोटी छोटी बीमारियां लाहक होती हैं, अगर से इन छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज कर दिया गया तो यही छोटी बीमारियां बड़ी हो जाती हैं। जैसे दायमी नज़ला, जिसे आम जबान में सर्दी कहा जाता है। आम तौर पर लोग दायमी नज़ला को संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन दायमी नज़ला एक बहुत बड़ी बीमारी है। हिकमत की जबान में दायमी नज़ला को उम्मुल अमराज कहा गया है। इसी तरह कई एक बीमारियाँ जिन्हें आम तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। बहुत से लोगों को आधा सरदर्द, पूरा सरदर्द, आँखों से पानी बहना, कानों को कम सुनाई देना, नाक का गोश्त बढ़ना, दमा, 20 बरस से कम अफराद का कद ना बढ़ना, छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना, बदबूदार पसीने का इखराज होना या ज़रूरत से ज़्यादा पसीने का इखराज होना जैसी छोटी छोटी बीमारियाँ हैं। अगर आप में से कोई भी इन बीमारियों में मुब्तला है तो घबराइए मत, इन तमाम बीमारियों का इलाज भी मौजूद है। बेलगाम के मशहूर हकीम हकीम हाजी मिर्ज़ा इलियास बेग के पास इन तमाम बीमारियों के लिए एक दवा सुनहरी जोशांदा मौजूद है, जो इस तरह की 11 बीमारियों का इलाज है। सुनहरी जोशांदा एक तरह से आब हयात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सुनहरी जोशांदा से कई एक अफराद को शिफा मिल रही है। हकीम साहब हर मंगल को गुलबर्गा शरीफ तशरीफ लाते हैं। दरगाह के करीब वाक़ अलकरीम लाज पर हर मंगल को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मुफ्त तशखीस करते हैं। हकीम साहब के पास कई एक बीमारियों का इलाज मौजूद है। हकीम साहब की दवाएं आप गुलबर्गा में हाफिज शेख महबूब साहब के दवाखाने नज़्म नबी कैफे मोमिनपुरा से हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल किया जा सकता है। जो एक नायाब नुस्खा है जो हर घर परेशान है, 11 बीमारियों के इलाज एक दवा से होता है, जिसमें हर घर परेशान है, वो है दवा का नाम है सुनहरी जोशांदा। इस जोशांदे में 11 फायदे हैं। पहला फायदा, दायमी नज़ला जो बीमारी की माँ है, हिकमत में इसको बीमारी कहा जाता है। दायमी नज़ला, नाक का गोश्त बढ़ना, आँखों से पानी जाना, कानों को कम सुनाई देना, बदन से बदबूदार पसीना जाना, बदन से अच्छा पसीना जाना, जिसका 20 साल के उम्र वालों की कद नहीं बढ़ना, और जिनके जो बदले दुबले पतले हैं जिनका वज़न नहीं बढ़ना, दम्मे के लिए इन तमाम, आधा सरदर्द, पूरा सरदर्द, नाक का गोश्त बढ़ना, ये तमाम 11 बीमारियों का इलाज एक दवा में मौजूद है, जिसका कोर्स 4 महीने है। 2 महीने में कद बढ़ने का और वज़न बढ़ने का फ़र्क होता है, वज़न करके दवा चालू करना होगा। 1 महीने का हदिया सिर्फ 786 बिस्मिल्लाह की बरकत मुताबिक रखा गया है। 4 महीने का कोर्स करें और हमेशा के लिए अपने तमाम जो आजकल लाइलाज से आप परेशान हैं उसको फ़ायदा हासिल करके हमारे हक में दुआ करें। इंशाअल्लाह मरीज़ों की तकदीर गर्दिश का घर बन गई है, मरीज़ों की फ़िक्र मेरे बदन की ग़िज़ा बन गई है। सलामत रहो, तुम्हें मेरी दुआ है। ग़िज़ा होने वाले का हाफिज़ खुदा है।